हो चुका है और इस साल इन्होंने बनाया है वैटिकन सिटी। तो कैसा बना है वैटिकन सिटी इस साल, श्री भूमि का जो थीम है वो पंडाल, अंदर जाएंगे देखेंगे और दिखाएंगे भी। खास करके मेरे उन सारे दोस्तों को, उन सारे दर्शकों को जो कोलकाता में अभी नहीं है, कोलकाता के बाहर है या फिर कोलकाता के बाहर जो रहते हैं, उन सभी के लिए साउथ टू नॉर्थ कोलकाता के वो टॉप टॉप पूजा मैं दिखाऊँ। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और साथ ही साथ मेरे भी। द वर्ल्ड फेमस दुर्गा पूजा में बुर्ज खलीफा को अपना थीम बनाके विश्व के सामने कोलकाता की एक अलग तस्वीर रखी है नॉर्थ कोलकाता के श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने पिछले साल ही। और इस साल श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने फिर से अपने थीम को इस तरह से दर्शकों के सामने रखा है कि पूरे विश्व के जितने भी दर्शक, जितने भी लोग YouTube में द कोलकाता ब्रॉडकास्ट के जरिए ये टेलीकास्ट, ये वीडियो देखेंगे, उसी के साथ साथ जो कोलकाता में इस समय आते हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो उनके लिए तोहफा है इस साल श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब का रोम की वैटिकन सिटी थीम। तो चलिए भीड़ में धक्का खाते खाते हम आगे बढ़ेंगे और बारिश को इग्नोर करके हम देखेंगे रोम की वैटिकन सिटी थीम जो इस साल श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने बनाया है हम सभी के लिए। हर साल श्री भूमि में जैसा उनका पंडाल का कॉन्सेप्ट रहता है, उसी तरह से देवी माँ की मूर्ति भी देखने लायक होती है। इतनी सुंदर बनती है कि जो भी देखेंगे लगता है कि वहीं पे खड़े रह जाए और माँ की मूर्ति को देखते ही रहे। स्पोर्टिंग क्लब की ये पूजा देखने के लिए इतनी भीड़ होती है दर्शकों की, मैं ठीक तरह से कैमरा भी नहीं पकड़ पा रही थी कि शायद एक दो आप लोगों को देख के ये लगेगा कि फ्रेम शायद ऊपर नीचे हो रहा है। इसका रीजन यही है कि इतनी भीड़ थी कि धक्का मुक्की में कोई भी सही से खड़ा नहीं रह पा रहा था, लेकिन फिर भी सब कोई बहुत एंजॉय कर रहे थे ये पूजा देखने के लिए जो जो भी गए थे पंडाल में।